बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई वो है दही आलू चाट कटोरी बनाने की रेसिपी। दही कटोरी बनाने का तरीका बहुत ही नया और आसान तरीका है, ये एकदम न्यू रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो दही पपड़ी भी बनाई जाती है, दही चाट पपड़ी बनाई जाती है, काफ़ी तरह से बनाई जाती है। तो आज मैं आपको कटोरी आलू चाट बनाने का तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान और नया तरीका। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें मैदे ले लेना है एक कटोरी, इसके साथ ही 1/4 अजवाइन को हाथों से मैस करके इसके अंदर ऐड करना है और नमक ऐड करना है 1/2 टीस्पून। अब हम इसके अंदर मोइन करने के लिए ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम इसके अंदर 2 टीस्पून ऐड करेंगे और फिर इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसका एक डो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। ये देखिए इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके लोई बनाएंगे, इस तरीके से लोई बनाएंगे और रोटी की शेप में फैला देंगे। अब एक छोटी कटोरी लेंगे, उसको इस तरीके से बीच में रखेंगे और इसे इसको अच्छे से पैक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हाथों से दबा दबा के, ऐसे हल्के हाथों से अच्छे से दबाना है और जो ऊपर से अच्छे ये जो रहा है हम इसको हटा देंगे इस तरीके से। अब हमने ऑयल को अच्छे से हीट होने के लिए रखा है, अब हम इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम आंच पे कर देंगे ताकि ये जले नहीं। अब हम इसको इस तरीके से हिलाएंगे, और इसको पलट देंगे। ये देखिए ये छूटने लग चुका है। ये देखिए नीचे से अच्छे से हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा ऐसे घुमाएंगे, कटोरी अपने आप अच्छे से जब ये होने लगेगा तो अपने आप ही छूट जाएगी। तो हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है जब आप इसे फ्राई कर रहे हो, नहीं तो ये जल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हो चुका है। अब हम इसी तरीके से दूसरे को भी फ्राई करेंगे। एकदम ये कुरकुरी होनी चाहिए, बिल्कुल भी मुलायम नहीं होनी चाहिए। तो ये कटोरी बन के तैयार है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए हो चुकी है। अब हम इसको भी ऑयल में फ्राई करेंगे। कितना आसान है ये बनाना, बहुत ही जल्दी और नया तरीका है। फिर हम इसको तेल में रख देंगे। तो हमारी कटोरी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको इसकी चाट बनाएंगे। तो ये मैंने दही लिया है, दही हमें ज़्यादा खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने दही के अंदर
एक टीस्पून चीनी ऐड की है और एक चौथाई नमक ऐड किया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। नमक बिल्कुल भी कम ऐड करना है, बहुत कम ऐड करना है, क्योंकि हमने नमक जब कटोरी बनाई थी उसमें भी ऐड किया है। आप चाहे तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ये इमली की चटनी है जो मैंने घर में बनाई है, वही ऐड किया है मैंने। इसको अच्छे से एक दफ़ा थोड़ा हल्का हल्का मिला देंगे। दही के साथ इमली की चटनी का फ्लेवर। अब हम ऐड करना है इसके अंदर ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा है। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैं जितना जितना ऐड कर रही हूँ आप भी उतना ही ऐड कीजिएगा, एक एक कटोरी के अंदर, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, टमाटर। अब हम इसके अंदर, ये मैंने एकदम बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड किया है। इसके साथ ही हरी मिर्च ऐड करेंगे, मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, ये देखिए कितनी अच्छी और कटोरी चाट लगे। इसके साथ ही आलू, उबला हुआ आलू। आलू को मैंने हाथों से अच्छे से मैश करके ऐड करूँगी। हम इसका ज़्यादा आलू पीसा हुआ नहीं चाहिए इसके अंदर, और ना ही ज़्यादा बड़ा। नॉर्मली हम हाथों से इसको पीस के ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सबके ऊपर आलू अच्छे से ऐड कर दिए हैं। अब हमें ऐड करना है जब आलू अच्छे से ऐड हो जाएगा तब हम इसके अंदर फिर से दही ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारी कटोरी चाट बहुत ही स्वादिष्ट और मज़े की बनके तैयार हो रही है। बिल्कुल भी फटी हुई नहीं है, बिखरी हुई नहीं है, बहुत ही आसान और नया तरीका है। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर इमली की चटनी फिर से ऐड की है, फिर से वही दही ऐड किया है, और फिर से हम इसके अंदर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। जो ये दही कटोरी चाट मार्केट में 100 से 150 रुपए की एक मिलती है, वही हमने घर में बहुत ही आसानी और सस्ते में बनाई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए बनके तैयार है। ये मैंने इसके ऊपर भुना हुआ जीरा ऐड करना है फिर से। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च भी ऐड कर दिया है, धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा और मज़े का बन के तैयार हुआ। इसके साथ ही हम इसके ऊपर आलू से हम ऐड करेंगे। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अनार दाना। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।